फ्रेंड्स, हम लोग कुछ खाने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। दिल्ली का बहुत फेमस चीज है। यहाँ पे तीन दोना पत्तल जो भी बोलते हैं आप लोग इसको, इसमें लग चुका है कचौड़ी तीनों का। लविस तो थोड़ा सा खाया था, इसको तीखा लगता है, मुझे बहुत पसंद। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है, अच्छा है कि नहीं है। तो हाँ फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद है। और अभी मुझे ना जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो मैं नीचे आ गई हूँ। मेरा ड्रेसिंग टेबल नहीं है, आंटी का है, गैलरी में ही रखा है। तो मैं ना जा रही हूँ, अब देखती हूँ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था जाने में, क्योंकि जो है पेन होता है बहुत ज़्यादा दांतों में। तो अभी मैं मार्केट में आ गई हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल पास में ही है। तो 2 मिनट लगता है यहाँ पे रोड पे आने में। तो ये देखो, मैं तो रिकॉर्ड करने में बिजी थी, इसको अचानक गाय को देखी हो, मैं बच गई, नहीं तो इससे लड़ जाती गाय से ही। तो अभी तो बिल्कुल ही पास में वो आ गए हैं दुकान के, देखो पहुंच गए हैं क्लिनिक पे, जगदीश डेंटल क्लिनिक। और यहाँ पे ना एक बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, उसको दांतों में कुछ प्रॉब्लम था, तो ये ना पूरा डरा हुआ है कि कहीं मेरी मम्मी मेरे भी इंजेक्शन ना चुकवा दें, इसलिए बिल्कुल भी स्माइल स्माइल नहीं कर रहा है, डर भरा है अंदर उसके। अभी सब यहाँ पे ना वेट कर रहे हैं। मेरा ना 35 नंबर था, बहुत पीछे नंबर था, और मुझे तो 2 घंटे वेट करना पड़ा था, उसके बाद मेरा नंबर। फ्रेंड्स मैं 2 घंटे बाद निकल गई हूँ, मेरा जो है चेकअप हो गया है दांतों का, देख लिए हैं डॉक्टर, उसमें दवा डाल दिए हैं। अब फिर पास में तो सब्जी मंडी था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सब्जियां ले लें या जरूरत के हिसाब से अपनी। तो दौड़ के हम आ गए यहाँ पे मंडी में, देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे फ्रूट्स और साग सब्जियां लगी हैं। और रात को ये 9 बज रहा है, नहीं सॉरी 8:30 हो रहा है। तो यहाँ पे अंगूर लविस कर रहा था, मुझे ना ब्लैक वाले अंगूर खाने हैं, उसने अभी तक ब्लैक वाला अंगूर नहीं खाया था सच में। और उसका क्या, मैं खुद नहीं खाई थी अभी तक ब्लैक वाला अंगूर, तो कहते मम्मी मुझे ब्लैक वाला अंगूर लेना है, उसका टेस्ट चेक करना है कि कैसा होता है। तो वही हम लोग खोज रहे थे। और ये देखिए, चलो आलू भी ले लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। आलू प्याज ये सारी चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए रसोई में। तो अब उसके बाद लविस की तो फरमाइश ख़त्म ही नहीं होती। इसके बाद इसने बोला कि मुझे जलेबी भी लेना है, तो अब इसके लिए जलेबी भी ले रहे हैं इसके पापा। उसके बाद हम घर आ गए हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें यहाँ पे थी मैंने रिकॉर्ड की, क्योंकि अचानक से याद आई कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। खाने पीने वाली चीज़ें खा पी ली गई थी, और अंगूर और जहाँ से मैंने वो कटहल को हटा दिया था धोने के लिए, मैंने रख दिया था वहाँ पे चौकी पे, और सारी चीज़ें ली गई हैं। धनिया मुझे बहुत पसंद है, देसी धनिया। और चने लिए हैं मैंने, चने बहुत महंगे थे, 40 रुपये पर केजी। और पता है इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें पानी का छिड़काव ज़्यादा किया है, तो जो वो देसी टेस्ट आता है ना, नमकीन नमकीन खारा खारा सा, वो टेस्ट नहीं था इसमें, बहुत अजीब लग रहा था। और यही सब था, सोया चाप भी मुझे बहुत पसंद है, तो उसको भी मैंने लिया था, टमाटर ये सारी चीज़ें ली गई थी। फिर मैं यहाँ पे लविस को जगा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का है, 7:30-8 हो रहा है, तो मैं उठा रही थी इसको, उठने का नाम नहीं लेता है जल्दी से। तो फ्रेंड्स सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग।
लेट हो रहा, देख रहे हो 8 बज रहे।